अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? ये एमसीक्यूज की लास्ट वीडियो है नॉवेल की। इससे पहले हम चार वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें दो पोइट्री और दो प्रोज की हैं, जिनको पढ़ने के बाद यकीनन आपको आपके ना सिर्फ एमसीक्यूज प्रिपेयर हुए होंगे बल्कि उसमें से जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है जो सेक्शन बी में आता है और सेक्शन सी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी आती है वो भी आपकी काफ़ी बेहतर हुई होगी। और अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लें। कल आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिहाज से जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करें। इस वीडियो में मैं प्रिजनर ऑफ जेंडा के से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को कवर करूंगा। जो कोशिश करिए कि सीक्वेंस में हो कि आपका नॉवल का एक रिविजन भी हो और क्वेश्चन आंसर जो आपने याद किए हैं वो भी आपके प्रिपेयर हों। इससे पहला एमसीक्यू से नॉवेल के राइटर के बारे में, तो वह एंथनी हॉप वॉकिंस हैं। एंथनी हॉप नॉवेलिस्ट थे, उसके साथ साथ एक लॉयर भी थे। लॉयर ये नॉवेल उन्होंने 1893 में लिखा, 1894 में पब्लिश हुआ। इसका डिफरेंस याद रखिएगा, 1893 में लिखा, 1894 में पब्लिश हुआ। और उन्होंने लॉ की तालीम हासिल करी टेम्पल से, मिडल टेम्पल से। जो नॉवेल इन्होंने लिखा है इसको लिए उन्होंने एक इमेजिनरी किंगडम कंसिडर की है, इसका नाम है रोरिटानिया। रोरिटानिया नाम की कोई भी किंगडम दुनिया के नक्शे पे मौजूद नहीं है, ये एक इमेजिनरी रियासत है जिसको नॉवेलिस्ट ने सेंट्रल यूरोप में लोकेट किया है नियर जर्मनी। इसलिए इस नॉवेल की लैंग्वेज भी जर्मन, ये याद रखिएगा, ये बड़ा टेक्निकल है। नॉवेल स्टार्ट करते हैं तो नॉवेल इंग्लैंड से शुरू हुआ, बल्सडन से ये नॉवेल शुरू हो रहा है, जहां रेडॉल्फ रॉजेंडेल जो कि इस नॉवेल के हीरो हैं उसकी फैमिली रहती है। और उसकी फैमिली में दो लोग हैं, रॉबर्ट रॉजेंडेल जो उसके भैया हैं और रोज रॉजेंडेल जो उसकी भाभी हैं, और रॉबर्ट जो है लॉर्ड बल्सडन है। और जो उनकी भाभी रोज है वो अपना कंसर्न जाहिर कर रही है रेडॉल्फ रॉजेंडेल के कुछ ना करने। और आपको याद होगा कि वो कहती है कि तुम 29 साल के हो गए और अभी तक तुम कुछ नहीं करते। ये बात रोज रॉजेंडेल ने, जो भाभी है रेडॉल्फ रॉजेंडेल की, उन्होंने कही। और फिर भाभी के कहने पे रेडॉल्फ रॉजेंडेल एक जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, जो जॉब ऑफर करी है सर जैकब ब्रिडल ने। जो जॉब सर जैकब ने रेडॉल्फ रॉजेंडेल के लिए ऑफर करी है वो जिस डेजिग्नेशन की है वो एक एम्बेसी में जॉब है और अटैशे की डेजिग्नेशन है। और भाभी ये भी बताती है कि उस एम्बेसी को खुलने में 6 महीने बाकी हैं, मतलब 6 महीने बाद वो एम्बेसी खुलेगी। कहाँ खुलेगी, किस मुल्क में खुलेगी ये नहीं पता, लेकिन 6 महीने बाद खुलेगी। तो सर जैकब ने रेडॉल्फ रॉजेंडेल के लिए एक जॉब अटैशे की वहां रखी हुई है। रेडॉल्फ रॉजेंडेल को जब ये पता लगता है कि इस जॉब को ज्वाइन करने में 6 महीने का गैप है, तो वो अपनी भाभी की बात मान जाता है, क्योंकि इस तरह उसकी भाभी खामोश हो जाती है। और वो प्लान करता है कि उस गैप में वो रोरिटानिया जाएगा। उसके रोरिटानिया के जाने की बड़ी सिंपल सी वजह है कि वो रॉजेंडेल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एल्सबर्ग फैमिली से आई है, और एल्सबर्ग फैमिली जो है रोरिटानिया की रॉयल फैमिली है। तो रेडॉल्फ रॉजेंडेल अपने आप को एक रॉयल फैमिली का मेंबर कंसिडर करता है, और वो इसलिए रोरिटानिया जाके एल्सबर्ग फैमिली से मिलना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि एल्सबर्ग फैमिली के जैसे रेड हेयर है और लॉन्ग पॉइंटेड नोज है, तो रेडॉल्फ रॉजेंडेल की भी रेड हेयर है और लॉन्ग पॉइंटेड नोज। लेकिन उसकी फैमिली, रॉजेंडेल फैमिली, रोरिटानिया के जाने पे बड़ी खिलाफ होती है बिकॉज ऑफ सम फैमिली डिस्प्यूट, जो मैंने नॉवेल पढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 1 में बताया था। तो उस डिस्प्यूट की वजह से वो अपनी फैमिली को डिस्क्लोज नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि वो उन जगह पे जा रहा है जहां वो सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स को रीड करेगा, और वो जगह है टेरोल। लेकिन वो टेरोल जाएगा नहीं, वो रोरिटानिया जाएगा। उसका डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन टेरोल नहीं है, रोरिटानिया है। लेकिन वो रोरिटानिया डायरेक्ट नहीं जाता, वो इंग्लैंड से पहले फ्रांस जाता है, और फ्रांस में पेरिस जाता है, और पेरिस के एक होटल में स्टे करता है जिस होटल का नाम है कॉन्टिनेंटल होटल। वहां उसका स्टे 1 दिन और 1 रात का, याद रखिएगा, पेरिस का होटल कॉन्टिनेंटल और 1 दिन और 1 रात का स्टे, जो उसने अपने अंकल विलियम के कहने पे किया, क्योंकि उसके अंकल
पूरी दुनिया घूमते थे, तो उन्होंने उसको एडवाइस किया था कि जब भी पेरिस जाना तो कम से कम एक दिन और एक रात वहां गुजारना। साथ साथ में कुछ बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि सारी बातें एमसीक्यूज में कवर नहीं होती, रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो जो जरूरी होता है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पेरिस में रोजेंडेल की मुलाकात अपने दो दोस्तों से होती है जिसमें एक का नाम है जॉर्ज फिडले और दूसरे का नाम है बर्ट्रम बर्टेन। ये जॉर्ज पेरिस में ब्रिटिश एम्बेसी में डिप्लोमेट सफीर है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये इंग्लिश जेंटलमैन है, और बर्ट्रम जो है पेरिस से बिलोंग करता है, फ्रांस का ही है, और ये एक पोइट है और एक जर्नलिस्ट है, और जिस अखबार का जर्नलिस्ट है उस अखबार का नाम है द क्रिटिक्स। अच्छा, इससे पहले रेडॉल्फ रोजेंडेल के रोरिटानिया के जाने की वजह क्या थी, जो अभी पहले एमसीक्यू आया था मैं भूल गया एक बात बताने, उसकी वजह ये थी कि उसने एक अखबार में जिस अखबार का नाम था द टाइम्स, उसमें ये पढ़ा था कि रोरिटानिया में वहां के पांचवें बादशाह की रेडॉल्फ फिफ्थ की कॉरिनेशन होने वाली है, तो रेडॉल्फ रोजेंडेल उस कॉरिनेशन को अटेंड करना चाहता था। अच्छा, उस मीटिंग में जब अपने दोस्तों से मिलता है तो बर्ट्रम बड़ा अपसेट होता है बिकॉज ऑफ मैडम एंटोनेट डी मोबन। अब ये कौन खातून है, ये एक फ्रांस की बेवा खातून है, 30 से 32 साल उम्र है, खूबसूरत खातून है, अमीर खातून है, और बर्ट्रम जो कि पोइट है एडिटर है वो इनसे मोहब्बत करता है, लेकिन बर्ट्रम को ये बात पता है कि ये खातून किसी और से मोहब्बत करती है, और ये मोहब्बत करती है ब्लैक माइकल से। अब ये एक नया करेक्टर है रेडॉल्फ रोजेंडेल के लिए, ये वो करेक्टर है जो असल में रोरिटानिया में मौजूद है जहां रेडॉल्फ रोजेंडेल जा रहा है। रोरिटानिया किंगडम है, वहां एक कैपिटल स्टेट है स्ट्रल्साओ, वहां का ये गवर्नर है, और एल्बर्ट फैमिली के पांचवे बादशाह का जो बनने जा रहा है पांचवा बादशाह उसका हाफ ब्रदर है। रेडॉल्फ रोजेंडेल मैडम डी मोबन से मिलता है फर्स्ट टाइम, या उनको देखता है रेलवे स्टेशन पे बुकिंग ऑफिस में पेरिस में, और थ्रू आउट द जर्नी रेडॉल्फ रोजेंडेल के साथ वो मैडम एंटोनिएट डी मोबन रहती हैं, क्योंकि रेडॉल्फ रोजेंडेल पेरिस से पहले ड्रेसडन जाता है जर्मनी, जर्मनी में एक दिन स्टे करता है, और वहां से फिर रोरिटानिया जाता है, तो मैडम डी मोबन सही है मैडम एंटोनिएट डी मोबन भी उसी रास्ते पे उनके साथ साथ चलती है। रेडॉल्फ रोजेंडेल को ये यकीन हुआ, उसको ये लगा कि उसको अब जो फेवर मिला रोरिटानिया की कस्टम पे वो उसकी फिजिग्नोमी की वजह से मिला, और फेवर देने वाले रोरिटानिया के कस्टम ऑफिसर थे। रेडॉल्फ रोजेंडेल को ये बात साफ पता लगी क्योंकि जब वो स्ट्रेल्सॉ पहुंचा तो उसको अकोमोडेशन नहीं मिल सकी, क्योंकि स्ट्रेल्सॉ के सारे होटल बुक थे, उसकी वजह ये थी कि कॉरिनेशन वक्त से पहले हो रही थी तो रश बहुत था, तो रेडॉल्फ रोजेंडेल ने फैसला किया कि वो उसको कोई बताता है कि आप स्ट्रेल्सॉ शहर से आगे जाके एक छोटा सा टाउन है जेंडा टाउन, वहां के गेस्ट हाउस में जाके रुक जाए, और वो एक गेस्ट हाउस में जाके रुकता है क्योंकि वो मंडे के दिन वहां पहुंचता है और वेनसडे को कॉरिनेशन होती है, तो इन बिटवीन उसके पास सिर्फ एक दिन होता है ट्यूसडे, और जिस होटल में वो रुकता है वो एक बूढ़ी औरत का है, उसकी दो बेटियों का है, और वहां जब वो स्टे करता है मंडे नाइट को, तो मंडे नाइट को वहां एक बंदा आता है उस ओल्ड लेडी और उनकी दोनों बेटियों से मिलने, उसका नाम था जोहान, और वो ड्यूक माइकल का, ड्यूक माइकल वही ब्लैक माइकल ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सॉ जिसका मैंने बताया था जिससे मैडम एंटोनिएट डी मोबन प्यार करती है, ये जोहान जो है उनका गेम कीपर है जो उनके फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करता है। वो जब उस गेस्ट हाउस आता है उस बूढ़ी औरत उनकी बेटियों से मिलने, तो वो रेडॉल्फ रोजेंडेल को पहली दफा देखता है और वो हैरान हो जाता है। उसकी हैरानगी की वजह ये थी क्योंकि रेडॉल्फ रोजेंडेल की शक्ल हूबहू रोरिटानिया के पांचवे बादशाह जिसका नाम है रेडॉल्फ एल्सबर्ग उससे मिलती जुलती है, लेकिन ये बात ना तो अभी रेडॉल्फ रोजेंडेल को पता है ना एल्सबर्ग को पता है, लेकिन जोहान को पता लग जाती है क्योंकि जोहान किंग से मिल चुका है, होने वाले किंग से, और रेडॉल्फ रोजेंडेल को देख के हैरान हो जाता है, लेकिन जोहान को ये बात पता होती है कि ये बादशाह नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि डिफरेंस है दाढ़ी का। होने वाले बादशाह जो पांचवे बादशाह है वो क्लीन शेव हो चुके हैं क्योंकि उनकी दाढ़ी प्रिंसेस फ्लाविया को पसंद नहीं थी, और रेडॉल्फ रोजेंडेल अभी भी शेव बियर्ड के साथ है। कॉरिनेशन वेनसडे को होनी है जैसे मैंने अभी आपको बताया। ट्यूजडे के दिन सुबह सुबह जोहान रोजेंडेल से मिलने आता है, उससे ऑफर करता है कि भाई तुम स्ट्रेल्सॉ कॉरिनेशन अटेंड करने आए हो तो वहां जाओ, वहां मेरी बहन का घर है। जोहान कहता है कि मेरी बहन का घर है, अमीर है, वहां जितने दिन चाहते हो तुम रुक जाओ। रोजेंडेल जोहान के कहने पे स्ट्रेल्सॉ जोहान के दिए हुए एड्रेस पे अपना सामान भेज देता है,
और खुद पैदल चलते हुए फॉरेस्ट से होते हुए जंगल की स्टेशन की तरफ जाता है। और उसकी वजह क्या थी, क्योंकि उसे मंडे नाइट को ये बात पता लगी थी कि बादशाह सलामत होने वाले बादशाह इस वक्त जेंडा के जंगलात में शिकार के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बादशाह सलामत को शिकार का और शराब का बहुत शौक। तो रेडॉल रैजेंडर प्लान करता है कि वो रास्ते से जब स्टेशन जा रहा होगा तो बादशाह से मिलने की कोशिश करेगा, इसलिए वो जोहान के गिवन एड्रेस पे अपना सामान तो भेज देता है लेकिन खुद जंगलात से पैदल निकलता है स्टेशन की तरफ। वहां वो जेंडा का किला देखता है जो कि पुराने दौर में एक फोर्ट्रेस था। ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वो इस किले को देखता है तो वो क्या देखता है कि वो किला दो हिस्सों में डिवाइड है, एक हिस्सा पुराना है और एक नया है, और दोनों हिस्से कनेक्ट हुए हुए एक ड्रॉ ब्रिज से। ड्रॉ ब्रिज वो होता है लकड़ी का जो खुलता है और बंद होता है। राजनडिल आराम से उस जंगल में सो जाता है। असल में वो गुजरते गुजरते दरख के नीचे बैठता, उसकी आंख लुक जाती है, लेकिन उसकी आंख खुलती है जब वो एक रिमार्क सुनता है जो कर्नल सैप उसके बारे में देते हैं। और वो रिमार्क ये था कि अगर इस बंदे की दाढ़ी ना होती तो ये हूबहू बादशाह सलामत जैसा होता। उसके बाद बादशाह सलामत वहां आ जाते हैं और वो रेडॉल रैजेंडेल को देखते हैं और रेडॉल रैजेंडेल उनको देखता है। ट्यूजडे का दिन है तो वे एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं और भी पता लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार हैं। और वो रिश्ता क्या है, वो रिश्ता मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था, जिस रिश्ते की वजह से रेडॉल रैजेंडेल के रेड हेयर और लॉन्ग पॉइंटेड नोज है। उसमें दो किरदार बड़े इंपॉर्टेंट है, काउंटेस एमिली और जेम्स। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो मैं उसको इतना डिस्कस नहीं कर रहा, जो नॉवेल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने इन डिटेल ये चीज आपको बताई थी। वहां से बादशाह सलामत रेडॉल रैजेंडेल को खाने पे ले जाते, सही है, ही इनवाइटेड हिम टू टुक हिम फॉर सपर एट द लॉज। अच्छा हाँ, टुक हिम फॉर सपर टू द लॉज। अच्छा, जब बादशाह सलामत रेडॉल रैजेंडेल को देखते हैं, पता लगता है कि दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो बादशाह सलामत उसे खाने की पेशगी करते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ मैं एक शूटिंग लॉज में, हंटिंग लॉज में रुका हुआ हूँ, क्योंकि ये जेंडा टाउन है, ये मेरे भाई ब्लैक माइकल की टेरिटरी है, मेरा घर यहाँ कोई नहीं है, तो वहां चलते हैं खाने के लिए। और रेडॉल रैजेंडेल उसके साथ चला जाता है। साथ दो लोग होते हैं, कर्नल सैप्ट ऑफ फ्रिट्स, मतलब चार लोग होते हैं। वहां एक और होता है जोसेफ, जो उनका नौकर है, डोमेस्टिक सर्वेंट है बादशाह का। उस खाने के बाद बादशाह सलामत को एक वाइन पेश की जाती है, जो वाइन ड्यूक माइकल, जिसको हम ब्लैक माइकल भी कहते हैं, ड्यूक ऑफ स्टल्सा भी कहते हैं, तीनों एक ही का नाम है, उसकी तरफ से मिलती है गिफ्ट। और उस वाइन में ड्रग्स होती है और बादशाह सलामत उस ड्रग्स को अकेले पीते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। और वेनसडे के दिन सुबह सवा बादशाह सलामत को 6 बजे अपनी कॉरोनेशन के लिए निकलना है, लेकिन जब वेनसडे की सुबह होती है तो बादशाह सलामत नहीं उठ पाते और कर्नल साहब रेडॉल रैजेंडेल को पानी फेंक के उठाते हैं, थ्रोइंग वाटर ओवर हिम एट 5 o'clock, सुबह 5 बजे। बादशाह सलामत के जाने का वक्त 6 बजे है, वो बेहोश है, लेकिन रेडॉल रैजेंडेल को पानी डाल के उठाया जाता है। बादशाह पे भी पानी डाला जाता है लेकिन बादशाह उठते नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्यूजडे नाइट जो वाइन पी होती है उसमें ड्रग्स होते हैं। और फिर एक सिनेरियो ये होता है कि बादशाह सलामत कॉरोनेशन में जाने के काबिल नहीं रहते, और फिर कॉरोनेशन में रेडॉल रैजेंडेल को हूबहू शक्ल होने की वजह से बादशाह बना के कर्नल सैप ले जाते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसका यकीन किस्मत पे आता है, किस्मत तुम्हें यहाँ लेकर आई है और किस्मत ही तुम्हें आज इस फलसाव लेके जाएगी। ये डायलॉग कर्नल सैप कहते हैं किसके लिए, रैजेंडेल के लिए, क्योंकि कर्नल सैप को ये बात पता होती है कि अगर बादशाह की एब्सेंस हुई तो ब्लैक माइकल तख्त पे कब्जा कर लेगा। एब्सेंस किसकी, रेडॉल एल्बर्ट। जब कर्नल साहब रेडॉल रैजेंडेल के साथ झूठे बादशाह बनाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी कॉन्वर्जेशन सुन लेती है एक औरत, जिसको बाद में बांध दिया जाता है। वो औरत अच्छा जोहान हॉल्फ मदर, ये जोहान की मदर है, मिसेस हॉल्फ उनका नाम है। इस ड्रामे में, सॉरी नॉवेल में, हॉल फैमिली है, तीन करेक्टर है, मिसेस हॉल्फ जो कि जोहान की मदर है और एक और उनका बेटा है मैक्स हॉल्फ। और जोहान और मैक्स दोनों माइकल के लिए काम करते हैं, मैक्स माइकल का बॉडीगार्ड है और जोहान माइकल का गेम कीपर है। और मिसेस हॉल जो कि जोहान की मदर है वो माइकल के लिए शूटिंग लॉज को लुक आफ्टर करती हैं और वो पूरी कॉन्वर्जेशन सुन लेती हैं, इसलिए कर्नल साहब उनको बांध के कोल सेलर में बंद कर देते हैं। कोल सेलर याद रखिएगा,
और बादशाह को छुपा देते हैं वाइन सेलर, और वहां जोसेफ को छोड़ते हैं उनकी लुक आफ्टर के लिए, उनकी गार्ड के लिए। किसको? जोसेफ को। जोसेफ वो जो के बादशाह का डोमेस्टिक सर्वेंट होता है। राजेंडल बादशाह तो बन जाते हैं, वो कैपिटल जाते भी हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, उनकी नब्ज बहुत तेज चल रही होती है। और कर्नल सैफ फिट्स और राजेंडल स्ट्रेल्सा तकरीबन एक घंटे पहले पहुंच जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बादशाह सलामत ने 6 बजे उठना था, 8 बजे निकलना था गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, लेकिन 5 बजे जब रेडॉल राजेंडल को उठाया जाता है तो पता ये लगता है कि बादशाह सलामत जाने की हालत में नहीं है। तो कर्नल सैफ गार्ड ऑफ ऑनर के आने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं, और यही वजह है कि वो अपने वक्त से 1 घंटा पहले स्ट्रेल्सा पहुंच जाते हैं। स्ट्रेल्सा में उनको रिसीव करने आता है मार्शल स्ट्रेकन्स, जो कि आर्मी चीफ है, जबकि उसूलन आना चाहिए ब्लैक माइकल, लेकिन मार्शल आता है। जब रेडॉल्फ राजेंडल स्ट्रेल्सा शहर में दाखिल होते हैं बींग अ किंग, बादशाह होने के नाते, तो वो देखते हैं कि शहर कुछ हिस्सा नया है, कुछ हिस्सा पुराना है, और जो न्यू टाउन है, जो नया हिस्सा है जहां अमीर या वीवीआईपी लोग रहते हैं, वो रेडॉल्फ एल्बर्ट को अपना बादशाह बनता देखना चाहते हैं, जबकि जो ओल्ड टाउन है जहां थोड़े ज्यादातर क्रिमिनल या गुर्बत में मुब्तला लोग रहते हैं, वो ब्लैक माइकल को बादशाह बनते देखना चाहते हैं। और ये सारी चीजें थ्रू आउट रेडॉल्फ राजेंडल को कर्नल सैफ गाइड कर रहे होते हैं। कॉरोनेशन में रेडॉल्फ राजेंडल बींग अ किंग जब बन के आते हैं तो व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टेशन से उनका जुलूस निकल के कैथेड्रल चर्च जाता है, क्योंकि कॉरोनेशन चर्च में होती है। जब वो चर्च पहुंचते हैं राजेंडल बादशाह बन के, तो वहां उनको दो बड़ी मशहूर फिगर मिलते हैं, शख्सियात मिलती हैं, जो ब्लैक माइकल, जो उनका भाई है, मतलब रेडॉल्फ एल्बर्ट का भाई है, और प्रिंसेस फ्लेविया, जो रेडॉल्फ एल्बर्ट की फियांसी है, उनसे मुलाकात। रेडॉल्फ राजेंडल को क्राउन उनका कार्डिनल पहनाता है। कॉरोनेशन के बाद रेडॉल्फ राजेंडल प्रिंसेस फ्लेविया के साथ पैलेस जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग प्रिंसेस फ्लेविया वॉर्न करती है रेडॉल्फ राजेंडल को, किसके बारे में? ब्लैक माइकल की खतरनाक प्लानिंग और जेलेसी के बारे में। कॉरोनेशन खत्म होने के बाद कर्नल सैप का प्लान ये था कि जब कॉरोनेशन खत्म हो जाएगी तो रेडॉल्फ राजेंडल को वापस इंग्लैंड भेज देंगे, और बादशाह को, जो के उस शूटिंग लॉज में ही जिसको छुपाया हुआ है, उसको वापस पैलेस ले आएंगे, क्योंकि वहां जोसेफ को छोड़ा था। और यहां फिर जब कर्नल साहब रेडॉल्फ राजेंडल को लेके बादशाह को लाने के लिए निकलते हैं, तो फ्रिट्स को कमरे के बाहर छोड़ के जाते हैं, और फ्रिट्स को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर कोई बादशाह से मिलने आए तो कहना बादशाह सलामत सो रहे हैं, और कल सुबह 9 बजे थर्सडे वाले दिन आपसे मिलेंगे। कर्नल साहब तो रेडॉल्फ राजेंडल डेनिसडे नाइट को कॉरोनेशन खत्म करने के बाद शूटिंग लॉर्ड जेंडा वापस जाते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने किंग को छुपाया हुआ होता है, असली किंग को, और प्लान के मुताबिक उन्होंने असली किंग को वापस लेके आना है पैलेस, रेडॉल्फ राजेंडल को इंग्लैंड भेजना है। जब वो वहां जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि पीछे दो लोग उनका पीछा कर रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। वो दो लोग ब्लैक माइकल और उसका बॉडीगार्ड जोहान का भाई मैक्सवेल थे। रेडॉल्फ राजेंडल और कर्नल साहब जब लॉज पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि लॉज के बाहर कुछ रुमाल पड़े हुए। अच्छा, ये रुमाल की स्टोरी क्या है? स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब कर्नल साहब जोहान की मदर, जो पूरी कर्नल साहब की प्लानिंग सुन लेती हैं और उनको वो बांध देते हैं, कोल सेलर में बंद करते हैं, तो उनके मुंह में अपने रुमाल ठूस देते हैं, और वही रुमाल शूटिंग लॉज के बाहर पड़े हुए, जो इस बात की निशानी है कि वो औरत भाग गई। और जब वो वहां पहुंचते हैं वाइन सेलर में, तो वाइन सेलर बिल्कुल लॉक होता है जैसे वो छोड़ के गए थे, लेकिन वहां खून के कतरे पड़े होते हैं, और वो खून किसी और का नहीं, जोसेफ का होता है। इसका मतलब जोसेफ को मार दिया, मिसेस सॉल्व को भगा दिया, और बादशाह को किडनैप कर दिया। अच्छा, उसके बाद रेडॉल्फ राजेंडल और कर्नल साहब वहां परेशान बैठे होते हैं, क्योंकि उनका प्लान चौपट हो जाता है, असली किंग किडनैप हो जाता है, कॉरोनेशन हो चुकी है, किंग का होना बहुत लाजमी है। तो कर्नल साहब रेडॉल्फ राजेंडल को इस इम्पर्सोनेशन के लिए दोबारा कन्विंस करते हैं, और कहते हैं कि ये नकल तुम जारी रखो। लेकिन जब वो यहाँ प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वहां माइकल के कुछ लोग जोसेफ की बॉडी को ठिकाने लगा दे आते हैं, जहां उनकी फाइट होती है, और 3 लोगों का मर्डर कर्नल सैफ और रेजेंडल कर देते हैं, और वहां 4 लाशें पड़ी होती हैं, एक जोसेफ की और 3 माइकल के नौकरों की।
फिर जब वो रात को वापस पहुंचते हैं, राजन टेल दोबारा से नकल करने के लिए तैयार हो जाता है, तो अगली सुबह सुबह बादशाह सलामत से मिलने के लिए, अब जो बादशाह है वो रेडॉल्फ राजन टेल है, तो वो एक बंदा, एक नौजवान लड़का उनसे मिलने आता है, इम्पोस्टर किंग से, इम्पोस्टर किंग का मतलब है अब जो नकली बादशाह है उससे, और उस बंदे को भेजती है प्रिंसेस फ्लेविया बादशाह के हाल अहवाल को पूछने के लिए, क्योंकि यहां से प्रिंसेस फ्लेविया के दिल में थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो रही होती है बादशाह के लिए। उस फाइट में रेडॉल्फ राजेंडल के हाथ पे भी चोट लगती है और वो उनकी उंगली पे लगती है, क्योंकि गोली उनके उंगली को छू के गुजरती है, जिसका फायदा वो आगे उठाते हैं, क्योंकि वो नकली बादशाह है, साइन नहीं कर सकते, लेकिन इस उंगली पे डैमेज की वजह से उनको बहाना मिल जाता है साइन ना करने का। अगली सुबह थर्सडे वाले दिन दो ऑफिशियल बादशाह सलामत से मिलने आ जाते हैं, वो ऑफिशियल एम्बेसडर और चांसलर थे। सैफ डिसाइड करता है कि भाई मैं कोई हमला नहीं करूंगा अभी, और माइकल का इंतजार करूंगा, और वो इसके लिए एक इंग्लिश प्ले का रेफरेंस देता है, क्योंकि फ्रिट्ज बड़ा उतावला हो रहा होता है माइकल पे हमला करने के लिए, क्योंकि फ्रिट्ज को पता होता है कि बादशाह किडनैप हुआ है, तो यकीनन माइकल ने किया होगा, माइकल उसको मार भी सकता है। तो कर्नल साहब उसको रेफरेंस देते हैं कि क्रिटिक्स ड्रामा अगर तुमने नहीं देखा तो तुम देखो, मेरे ख्याल से राजन टेल ने ये कहा था 12, तो चेक कीजिएगा, ये चैप्टर नंबर 7 में, 8 में, हाँ 8 में, मैं भी चेक करूंगा। अच्छा, इस चैप्टर में तीन लोकल मैन आते हैं और तीन फॉरनर्स, असल में तीन फॉरनर्स आते हैं। माइकल का एक गैंग है जिसपे क्वेश्चन भी आता है, द सिक्स, उस गैंग के दो हिस्से हैं, द थ्री, इसमें से एक थ्री फॉरनर्स हैं और एक थ्री लोकल्स हैं। लोकल का मतलब है जिनका ताल्लुक रोलिटानिया से ही है। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में फॉरनर्स आते हैं, और वो फॉरनर्स कौन है, डी गॉच है, बर्जनिन और डैचर, नाम याद रखिए। फ्रिट्स इंटरेस्टेड होते हैं प्रिंसेस फ्लेविया की लेडी इन वेटिंग, जिसका नाम है काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉसन, ये फ्रिट्स की मोहब्बत होती है जो प्रिंसेस फ्लेविया की अच्छी दोस्त होती है। प्रिंसेस के पैलेस में राजन टेल उनसे जब मिलने जाते हैं, तो वहां एक और बंदा उनसे मिलने आता है, वो है ड्यूक ऑफ स्ट्रॉसन। वहां जब ड्यूक ऑफ स्ट्रॉसन प्रिंसेस फ्लेविया से मिलने आता है, तो बादशाह सलामत से भी मुलाकात होती है। तो ड्यूक ऑफ स्ट्रॉसन अकेला नहीं होता, उसके 10-6 गैंग में से तीन लोग होते हैं और वो फॉरनर्स होते हैं। इसका मतलब चैप्टर नंबर 8 में माइकल का 10-6 गैंग एक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ तीन फॉरनर्स, रोरिटानियन चैप्टर नंबर 12 में आएंगे। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, रेडॉल्फ राजन टेल को खत मिलता है जिसपे ए का साइन होता है, उस खत में रेडॉल्फ राजन टेल नकली बादशाह को बुलाया जाता है एट द एंड ऑफ ओल्ड एवेन्यू, ठीक है ना। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस चैप्टर में जाके ना आप समझ रहे हैं नॉवेल एक लिहाज से आधा होता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है न्यू यूज फॉर अ टी टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि रेडॉल्फ राजन टेल को एक लेटर मिलता है, जिसमें रेडॉल्फ राजन टेल से ये बात कही जाती है कि तुम बादशाह नहीं हो और ये बात हमें पता है, और अगर तुम बादशाह के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो इस लेटर में जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, सही है, तो आप उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है उस जगह पे पहुंचे जहां हम आपको बुला रहे हैं, और वो जगह न्यू एवेन्यू में है, एट द एंड ऑफ न्यू एवेन्यू, ओल्ड एवेन्यू, न्यू एवेन्यू। और लेटर के मुताबिक रेडॉल्फ राजन टेल को न्यू एवेन्यू बुलाया जाता है 12 बजे रात में, और वो लेटर एक खातून लिखती है जिनका नाम है एंटोनिया डी मोबान, जब उस पर एक साइन होता है। रेडॉल्फ राजन टेल को इनवाइट किया जाता है कि आप वहां आइए, समर हाउस, वहां एक घर मिलेगा जिसका नाम समर हाउस है, वहां आपको कोई मिलेगा जो आपको बादशाह के बारे में बताएगा। रेडॉल्फ राजन टेल कर्नल साहब के मना करने के बावजूद कर्नल साहब को लेके वहां पहुंचते हैं, और उनको वहां मिलती है मैडम एंटोनिया डी मोबान। और मैडम डी मोबान ये बताती है कि माइकल डेस्परेट है सबसे पहले राजन टेल को मारने के लिए, क्योंकि जब तक राजन टेल जिंदा है तो यह बात साबित करना बड़ी मुश्किल है कि असली और नकली बादशाह कौन है। और मैडम डी मोबान ये बताती है कि वो पहले राजन टेल को मारेगा, फिर कर्नल साहब को फ्रिट्स, और फिर असली किंग को जिसको उसने किडनैप करा। समर हाउस में मैडम डी मोबान ये भी बताती है कि राजन टेल तुम्हें मारने के लिए तीन लोग यहाँ आ रहे हैं, वो तीन कोई और नहीं, फॉरनर्स है।
एंटोनिया डी मोबन ये भी बताती हैं कि राजेंडेल को कि बादशाह सलामत जिंदा है और उनकी लुक आफ्टर उनको कर रहे हैं रोरिटानियंस, क्योंकि फॉरनर्स तो माइकल के साथ साथ चल रहे। समर हाउस में रिडॉल्फ राजेंडेल की फिर मुलाकात या बातचीत होती है डेडशॉट से, और वो फॉरनर्स उसे मारने आ जाते हैं डेडशॉट से, और डेडशॉट उनको झूठी ऑफर करता है कि हम आपको 50,000 pounds देंगे और आपके मूल छोड़ के आएंगे, आप हमारे आप अपने आप को हमारे हवाले कर दें। लेकिन एंटोनिया डी मोबन उनको बताती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपको कत्ल ही करेंगे। इसलिए रिडॉल्फ राजेंडेल टी टेबल के जरिए उनको हिट करके वहां से भागता है, और भागते हुए उसको एक लैडर मिलती है जो एंटोनिया डी मोबन ने रखी होती है, जिस लैडर का सहारा लेके वो वहां से भागता है। चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। डॉल राजेंडेल ये बताता है कि जब मैं बादशाह बन के बैठा तो एक चीज मैंने देखी कि रोजाना दोपहर में खबर मेरे पास आती थी, सही है, वो खबर मेरे पास लेके आता था स्पेलसाव का पुलिस इंस्पेक्टर। और वो चैप्टर नंबर 10 में ये बताता है कि भाई डेडशॉट के हाथ में चोट लगी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि ये इंजरी उसे एक ड्यूल में हुई है, जबकि ये झूठ है। डॉल राजेंडेल चैप्टर नंबर 9 में जब टी टेबल के सहारा लेके वहां से भागता है तो डेडशॉट उस पर फायर करता है, तो राजेंडेल जो उस पर जो रिटर्न फायर करता है तो वो गोली उसको लगती है, और उसको ये खबर भी मिलती है पुलिस इंस्पेक्टर के जरिए कि एंटोनिया डी मोबन स्पेलसाव से जा चुकी है, उन्होंने ड्रेसडन का टिकट लिया है, सही है ना। इसका मतलब एंटोनिया डी मोबन को अभी रास्ते से हटाया गया या एक मिनट के लिए ड्रामे से नॉवेल से दूर किया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी मिलती है पुलिस वाले से कि भाई बादशाह को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो प्रिंसेस फ्लाविया को निग्लेक्ट कर रहे हैं। माइकल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है फ्लाविया से शादी के लिए, तो कर्नल सेप्ट ऑफ फ्रिट इसके लिए एक डांस पार्टी अरेंज कर देते हैं, बॉल डांस, जो बादशाह फ्लाविया के लिए होती है। बॉल डांस पे सवाल आता है, ये मैंने पढ़ाया था। बॉल डांस के बाद राजेंडेल अपनी रियालिटी बताने वाले होते हैं कि कर्नल सेप उनको इंटरप्ट करके रोक। बॉल डांस के बाद राजेंडेल और फ्लाविया अलहदा हो जाती हैं, और फ्लाविया उनको एक अपने ड्रेस से फूल निकाल के देती है। चैप्टर नंबर 11 की तरफ आते हैं। राजेंडेल अगले दिन पैलेस दोबारा, ये प्लेस नहीं है पैलेस है, प्रिंसेस फ्लाविया के पास पहुंचते हैं, तो प्रिंसेस फ्लाविया उनको दो लेटर दिखाती है, जिसमें से पहला लेटर एक खातून का होता है और दूसरा लेटर जो है वो अच्छा पहला लेटर जो है वो ब्लैक माइकल का होता है और दूसरा लेटर एक खातून का होता है, मैडम एंटोनिया डी मोबन, वही जिन्होंने रिडॉल्फ राजेंडेल को खत्म कर, यहाँ ई भी आएगा, और उन दोनों खत में ये लिखा हुआ होता है कि एक खत में माइकल प्रिंसेस फ्लाविया को जेंडा इनवाइट कर रहा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में ये पता लगा कि माइकल अपने तमाम साथियों के साथ जेंडा चला गया है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 11 से नॉवेल जेंडा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जेंडा के किले की तरफ। तो माइकल चैप्टर नंबर 11 में प्रिंसेस फ्लाविया को भी वहां बुलाता है, तो दूसरा खत उस लड़की का होता है, वो लड़की कहती है कि तुम्हें कोई भी इनविटेशन मिले तो एक्सेप्ट मत करना, तुम्हारी जान को खतरा है। रिडॉल्फ राजेंडेल ये बात सुनकर सीधा आर्मी चीफ के पास जाता है और प्रिंसेस फ्लाविया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनको देता है। राजेंडेल आर्मी चीफ को यह भी कहा बताता है कि मैं स्पेलसाव छोड़ के जेंडा जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, और अगर 3 दिन तक मेरा कोई खत ना आए तो तुम ड्यूक माइकल को स्पेलसाव की गवर्नरशिप से हटाना और खुद उसकी जगह बैठना, और प्रिंसेस फ्लाविया को मलका बना देना, रूलर ऑफ रिटानिया, और ये समझ लेना कि मैं मर गया। राजेंडेल इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्नल सैप और अपने कुछ साथियों के साथ फिट्स के साथ जाता है और स्टे करता है एक शिताओ में। ये एक शिताओ जगह है जो कि रिडॉल्फ राजेंडेल लेता है, और ये फिट्स के कजन की है, और रिडॉल्फ राजेंडेल यहाँ 10 gentlemen की फौज लेके जाता है। इसका मतलब टोटल 13 लोग लेके जाता है, लेकिन 10 gentlemen को पूरी बात नहीं बताई जाती, बस इतनी बात बताई जाती है कि माइकल ने बादशाह की जान पे जानी हमला किया था। सैप अपनी पार्टी को जब जेंडा लेके पहुंचता है तो माइकल उसी वक्त अपने 3 रोरिटानियंस को बादशाह से मिलने के लिए, नकली बादशाह से मिलने के लिए भेजता है। ये 3 रोरिटानियन अभी तक नहीं आए थे, ये अभी आए हैं, जिसमें एक कैरेक्टर जो है रूपर्ट ऑफ हेंडजॉ का है, जो इंतहाई डियर डेविल है, और उसकी उम्र 22 से 23 साल दिखाई है, 22 to 23 years।
उस विजिट के बाद राजेंडेल, ये सैप के साथ नहीं है, ये फ्रिट्स के साथ है, ये गलत हो गया है, फ्रिट्स के साथ उस मुसाफिर खाने में जाता है जहां वो पहले रुका था। कहां वो मुसाफिर खाना? जहां उसको जोहान पहली दफा मिला था, जहां एक बूढ़ी औरत थी और उसकी दो बेटियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। ये सैप नहीं है, फ्रिट्स है भाई। उस मुसाफिर खाने में राजेंडेल उस लैंड लेडी की छोटी बेटी से मिलता है, उसको मनवा लेता है कि उसकी वो मदद करे जोहान को पकड़ने में, क्योंकि जोहान वो बंदा है जो कि रेडॉल्फ राजेंडेल को किले के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और फिर राजेंडेल एक डायलॉग बोलता है, डिलाइला विल ब्रिंग आर सैमसन। इसमें डिलाइला उस छोटी बच्ची के लिए है और सैमसन जो है वो जोहान के लिए, छोटी बच्ची हो गई। अच्छा, रेडॉल्फ राजेंडेल जब वापस आता है तो पता लगता है कि उसके 10 जेंटलमैन में से एक को राजेंडेल समझ के उस पर हमला किया गया माइकल के लोगों ने, और जिस पे हमला किया उसका नाम है बर्नेस्टियन। चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है, रूपर्ट दोबारा राजेंडेल के पास आता है और उसको रिश्वत की ऑफर देता है, लेकिन राजेंडेल जब उसकी रिश्वत को मना कर देता है तो रूपर्ट स्ट्रक अ डैगर ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर, उसके उल्टे शोल्डर पे छुरा मार के भाग जाता है। रेडॉल्फ राजेंडेल जो है वो बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तो पता लगता है कि जोहान को उस लड़की ने पकड़ लिया, और जोहान आके ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर आपने बादशाह को बचाने की कोशिश करी तो बादशाह को मार दिया जाएगा, और ये टास्क किसको दिया है? रूपर्ट और डेडशॉट को, क्योंकि रोडिटानियन का गैंग का लीडर रूपर्ट है, फॉरनर का डेडशॉट है। डेडशॉट वही जिसको रेडॉल्फ राजेंडेल ने चैप्टर 8 में गोली मारी, और रूपर्ट वही जो अभी राजेंडेल को छुरा मार के गया है। तो साफ जाहिर हो रहा है कि रूपर्ट खतरनाक है। राजेंडेल को यह बात भी पता लगता है कि जेंजा टाउन में जहां बादशाह को कैद करा है, वहां उसकी खिड़की से एक पाइप लगाया गया है उसकी लाश को फेंकने के लिए, उस पाइप को जैकअप लैडर का नाम दिया है, और नाम किसी और ने नहीं, रूपर्ट ने ही दिया है। अब यहां से रूपर्ट का किरदार बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। उसको एक और खबर मिलती है कि बादशाह सलामत दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, बीमार रह रहे हैं, उनकी सेहत गिर रही है, और ये इंफॉर्मेशन उनको जोहान दे रहा होता है। सैफ फ्रिट्स ऑफ ब्राजनडेल जब उस किले को हमला करने का उसका सोचते हैं या उसपे बादशाह को बचाने की कोशिश करते हैं, तो अपने साथ वो 3 लोग लेके जाते हैं। इसका मतलब टोटल 6 लोग जाते हैं, राजनडेल, कर्नल सैफ, फ्रेट्स और अब 3 जेंटलमैन। जब राजनडेल उस जैकअप लैडर पे पहुंच जाता है, उस पाइप पे पहुंच जाता है जो बादशाह के कमरे तक जा रहा है, तो वहां उसको उस पाइप के पास एक बोट नजर आती है जिसपे एक बंदा सोता हुआ नजर आता है जो मैक्स फॉल्फ है, जो माइकल का बॉडी गार्ड था, और अब उस पाइप के पास है जो पाइप सीधा किंग के कमरे की तरफ जा रहा है। राजनडेल वहां मैक्स फॉल्फ का मर्डर कर देता है। उस पाइप से राजनडेल कॉन्वर्सेशन सुनता है जो कॉन्वर्सेशन किंग और डेडशॉट की होती है, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन से पहले वो मैक्स फॉल्फ का मर्डर कर देता है सोते में। उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है तो वहां एक लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो लड़ाई रूपर्ट की होती है, रूपर्ट के गैंग की, रेडॉल्फ राजनडेल के बाकी 3 लोगों से, कर्नल सैफ, फ्रिट्स और राजनडेल तो भाग रहे होते हैं सिर्फ बचा के, अपनी जान बचाते हैं, लेकिन उस लड़ाई में द सिक्स गैंग के 2 लोग मर जाते हैं, लिंगराम और कैफिस्टाइन, ये 2 लोग मर जाते हैं। तो मतलब 6 में से 2 लोग मर जाते हैं चैप्टर नंबर 14, और एक मैक्सवेल मर जाता है जिसको राजनडेल मारता है। इन दोनों को वो 3 साथी मारते हैं जिनको राजनडेल लेकर आता है, और वहां से भी शायद उनके 3 साथी मर जाते हैं। हाँ, टोटल 6 लाश होती है। अगले दिन चैप्टर नंबर 15 में राजनडेल कर्नल सैप और फ्लेविया के साथ, अच्छा फ्लेविया को मीन वाली खबर मिल जाती है कि बादशाह सलामत जख्मी है, तो वो अपने जज्बात पे काबू ना रखते हुए बादशाह से मिलने जेंडा आ जाती है, और फिर वो जेंडा में फ्लेविया को लेके घूम रहे होते हैं न्यूट्रल जोन टाइप एरिया में, तो वहां उनकी मुलाकात स्टल्साओ शहर के पुलिस इंस्पेक्टर से होती है, और वो ये आगे बताता है कि सर मैं एक इंग्लिश जेंटलमैन की तलाश में हूँ जिसका नाम है रेडॉल्फ राजनडेल, जो 2 महीने पहले, 2 महीने पहले याद रखिएगा, ब्रिटानिया आया था, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं है, सामान मिल गया है, बंदा नहीं मिला। कैसे मिलेगा भाई? वो बंदा खुद इस वक्त बादशाह बन के उसके सामने खड़ा।
जब रैजनडेल को पता लगता है कि उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और पुलिस वाला किसी हद तक पहुंचने वाला है, तो वो पुलिस वाले को बादशाह होने के नाते इस कार्रवाई के लिए रोक के वहां से भेज देता है। फिर वहां उसकी रूपट से मुलाकात होती है। रूपट जो जनाजा लेके वहां से गुजर रहा होता है, किसका? लिंगराम। अब वहां रूपट रेडॉल्फ रैजनडेल को एक डिवाइलिश ऑफर देता है, जिसमें वो ये कहता है कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं किंग को भी मार दूंगा, माइकल को भी मार दूंगा, सब लोगों को मार दूंगा, सैप्ट और फ्रिट्स को भी मार दूंगा, आपको प्रिंसेस फ्लेविया मिल जाएगी और सल्तनत भी मिल जाएगी, क्योंकि जब असली मर जाएगा तो साबित कौन करेगा नकली कौन है। लेकिन राजनडेल इस ऑफर को कबूल नहीं करता, मैन ऑफ ऑनर। राजनडेल वापस आता है तो उसको खत मिलता है, जो खत डिमोबान का होता है। अब वो खत किसके जरिए आता है? अच्छा हाँ, ये खत जो है एंटियोना डिमोबान का है, और खत लेकर आता है जोहान। चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है डेस्परेट प्लान। इस प्लान को बनने की बहुत सारी वजूहत थी। इसमें एक वजह यह थी कि बादशाह सलामत की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही थी। दूसरी वजह यह थी कि शादी की डेट अनाउंस कर दी थी 15 दिन के बाद। तो वो जोहान को बुला के इंफॉर्मेशन लेता है, तो जोहान बताता है कि भाई 6 में से 2 लोग तो मर गए, अब तो 4 है। पहले दिन में 3 होते थे, रात में 3 होते थे, अब दिन में 2 है, रात में 2 है। जिनकी दिन में ड्यूटी है वो कोई और नहीं, रूपट और डी गॉटे हैं। याद रखिएगा, रूपट और डी गॉटे की ड्यूटी दिन में, और जो रात में ड्यूटी कर रहे हैं वो है बर्सन इन और डेडशॉट। और जोहान ये बताता है कि ड्रॉबिच की चाबी सिर्फ माइकल के पास है। जोहान बादशाह को ये भी बताता है कि मैं एंट्रेंस हॉल में सोता हूँ, मेरे साथ 5 नौकर और है। राजनडेल जोहान से कहता है कि तुमने न्यू कैसल का दरवाजा खोलना है रात को या सुबह, जिसके लिए मैं तुम्हें 50,000 क्राउन दूंगा, और उसके बाद अगर तुम भागना चाहो तो वहां से भाग जाओ। जोहान को दरवाजा खोलने का ऑर्डर मिलता है 2 in the morning, रात के सुबह के 2 बजे जिसे हम कहते हैं। और प्लान का एक और भी हिस्सा था कि जोहान से 2 काम लिए जाते हैं। एक तो कि उससे दरवाजा खुलवाया जाएगा, अब वो खोलेगा कि नहीं वो तो पता लगेगा। दूसरा, उसको एक लेटर दिया जाता है जो कि मैडम डी मोबान तक पहुंचना होता है, एंटियोना डी मोबान तक, जिस लेटर में लिखा होता है कि रात के 2 बजे आपने झूठी चीख मार के माइकल को अपनी तरफ मतवज्जो करना है, ताकि हम माइकल को जिंदा पकड़ लें। सही है। इन सारे प्लान को क्या कहते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए रेडॉल्फ राजनडेल जिस जगह पर रह रहा होता है, उस जगह को सजाने का हुक्म दिया जाता है, और ये हुक्म जोहान पूरा करवाता है। अटैक करने के लिए जेंडा के किले की तरफ पार्टी को पहुंचना था 1:45 पे, क्योंकि 2 बजे दरवाजा खोलना था। कर्नल सैप्ट और फ्रिट्स के तमाम साथियों ने 2 से 15 मिनट पहले आना था। राजनडेल जेंडा के किले पहुंच गया तकरीबन 1:45 पे, मतलब 1:45 बजे, सॉरी 1:45 बजे। कर्नल साहब ने 1:45 बजे आना था, दरवाजा 2 बजे खुलना था। अभी इन सारे मामला में तकरीबन 1.25 घंटा बाकी था। राजनडेल वहां मोट में आके छुप जाता है। चैप्टर नंबर 14 में भी उतर के उसको जजमेंट कर चुका होता है, लेकिन जब वो चैप्टर नंबर 16 में आता है उसको पता लगता है कि उस पाइप को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तो राजनडेल देखता है कि मैडम जी मोबान से कोई बदतमीजी कर रहा है, वो कोई और नहीं रूपट है। और राजनडेल न्यू कैसल में खिड़की में ये मंजर देखता है। फिर एक बंदा आके माइकल को क्या कहते हैं रूपट को रोकता है, वो कोई और नहीं माइकल। रूपट ओल्ड किले से बाहर निकलता है और न्यू किले की तरफ जा रहा होता है, और टाइम होता है 1:15, 1:15 का टाइम हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। रूपट अंदर चला जाता है, ड्रॉ ब्रिज बंद हो जाता है। उसके ठीक 10 मिनट बाद रूपट दोबारा निकलता है और बिना ब्रिज के पानी में तैरता हुआ न्यू कैसल की तरफ अंदर चला जाता है, और वहां उसकी माइकल से लड़ाई शुरू होती है, जिस लड़ाई की शोर की वजह से डी गॉटे ओल्ड कैसल से बाहर निकलता है ये देखने के लिए, और राजनडेल उस दरवाजे पे उसका मर्डर कर देता है, और राजनडेल को ओल्ड कैसल में जाने का मौका मिलता है। फिर वो उस सिक्योरिटी रूम में पहुंचता है। सही है। तो वहां, अच्छा उससे पहले उसको उस कमरे की चाबी जो मिलती है वो डेड बॉडी से मिलती है, डी गॉटे की। उसके बाद वो उस चाबी से अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वहां वो बर्सोनिन और डेड शार्ट से उसकी लड़ाई होती है।
इस पर्सन इनको वो सिक्योरिटी रूम में मार के जैसे किंग के कमरे में दाखिल होता है तो क्या देखता है कि डेड चार्ट किंग पे हमला आवर है और बाश वहां डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है डेड चार्ट। अभी डॉक्टर कौन है? चैप्टर नंबर 13 में जोहान ये इन्फॉर्मेशन भी रिटॉल राजेंद्र को देता है कि बादशाह की तबीयत इतनी खराब है कि माइकल ने एक डॉक्टर को भी जो है मां किडनैप करके रखा है, जिसका काम है बादशाह को जिंदा रखना। वहां डेड चार्ट की डॉक्टर से लड़ाई होती है, सॉरी तो डॉक्टर उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो डॉक्टर को मार देता है डेड चार्ट। फिर राजेंडल से होती है, वहां राजेंडल की पिटाई लगती है और राजेंडल का लेफ्ट आर्म जख्मी हो जाता है जो ऑलरेडी रूपर्ट जख्मी कर चुका है, लेकिन राजेंडल उसको मारने में कामयाब होता है। कैसे कामयाब होता है? क्योंकि डॉक्टर के खून पे डेड चार्ट का पांव स्लिप होता है जिससे वो गिरता है और राजेंडल को मौका मिलता है। राजेंडल जब पूरे किले को फतह कर लेता है क्योंकि वो डी गॉटे को कैसल के गेट पे मार चुका होता है, बर्सोन इनको वो अंदर कमरे में मार चुका होता है, डेड शॉट को भी मार चुका होता है, तो वहीं उसे एक हंसने की आवाज आती है और ब्रिज खुलने की आवाज आती है, वो आवाज रूपर्ट की। जब राजेंडल टाइम देखता है तो हाफ पास्ट टू, ढाई बज चुके होते हैं। अब उसके जहन में आता है ढाई बज चुके हैं, 2 बजे दरवाजा खुलना है, कर्नल साहब ने अंदर आना है, अगर दरवाजा नहीं खुला तो कर्नल साहब मुझे आके देखेंगे, मैं नहीं मिलूंगा तो ये ऐलान कर देंगे कि बादशाह मर गया। राजेंडल के दिमाग में तमाम चीजें चल रही होती है लेकिन वो क्या देखता है कि वहां मैडम डी मोबान जो है वो रूपर्ट पे हमलावर कर रही, हमलावर होती हैं और वो ये अनाउंस करती हैं कि माइकल को रूपर्ट ने मार दिया। और रूपर्ट जब देखता है कि मैडम एंटोनिया डी मोबान उन पर हमला कर रही है तो वहां से चला जाता है और राजेंडल रूपर्ट के पीछे भागता है, और जब वो भाग रहा होता है उसी वक्त उसे कर्नल सैफ और फ्रिट्ज के अंदर आने की आवाज आती है, और उस वक्त जब उसका पीछा कर रहा होता है तो सुबह के 3 बज चुके। राजेंडल जख्मी होता है, लेफ्ट शोल्डर उसका जख्मी होता है, सही है, लेकिन वो रूपर्ट के पीछे भाग रहा होता है और उसको बचा लेता है फ्रिट्ज, सही है ना। अच्छा यहां फ्रिट्ज केम फॉर हिज रेस्क्यू आएगा, फ्रिट्स आएगा, सैप नहीं आएगा। अच्छा उस पूरी इंजरी में और ब्लड के लॉस होने की वजह से राजेंडल बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे फ्रिट्स ये बताता है कि द किंग इज स्टिल अलाइव, किंग जिंदा है, रूपर्ट को जाने दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजेंडल रूपर्ट से अपना बदला लेना चाहता था जो उसे वो जख्मी करके गया था, लेकिन बहरहाल वो बदला नहीं ले पाता, रूपर्ट वहां से चला जाता है और जाते आते वो एक फार्म गर्ल की लड़की, छोटी फार्म गर्ल से घोड़ा छीन के जाता है। जोहान दरवाजा नहीं खोल पाता क्योंकि जब माइकल और रूपर्ट की लड़ाई हो रही होती है जो तकरीबन 1:30 बजे के करीब शुरू होती है, तो उस वक्त जोहान माइकल को बचाने आता है और वहां रूपर्ट जोहान को भी जख्मी कर देता है, इसलिए जोहान दरवाजा नहीं खोल पाता। सैप दरवाजे पे हमला करते हैं 15 मिनट के बाद, और उनके हमले में ताकत उस वक्त आती है जब मैडम एंटोनिया डी मोबान फायर कर रही होती है रूपर्ट पे, उस फायर की आवाज से कर्नल साहब और तेजी से दरवाजा तोड़ते हैं और कर्नल साहब को मैडम एंटोनिया डी मोबान रोती भी नजर आती हैं। रूपर्ट भाग चुका होता है, जोहान जख्मी होता है, माइकल की डेड बॉडी पड़ी होती है, तो वहीं कर्नल साहब माइकल की डेड बॉडी को कॉफिन में रखवाते हैं और मैडम एंटोनिया डी मोबान से फेवर मांगते हैं कि आप बादशाह सलामत के जख्म को पोछेंगी, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में बादशाह जख्मी होते हैं, असली बादशाह जो बच चुके हैं, जिसको बचाया राजेंडल ने, और बचाने के बाद वो रूपर्ट के लिए भागा। न्यू कैसल में कर्नल साहब को माइकल की डेड बॉडी मिलती है। जब राजेंडल सपोर्टेड बाय फ्रिट्स उसको सपोर्ट करके लेके आ रहा होता है तो उसी वक्त फ्लेविया जेंडा के किले की तरफ जा रही होती है, अब वो फार्म गर्ल जाके बता देती है फ्लेविया को, क्योंकि फ्लेविया को एक मैसेज पहुंचता है कि बादशाह सलामत जख्मी है, लेकिन वो फार्म गर्ल आके बताती है कि बादशाह सलामत तो झाड़ी में पड़े हैं। प्रिंसेस फ्लेविया कहती है नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, बादशाह सलामत अंदर जख्मी है। तो कर्नल साहब आ जाते हैं, कर्नल साहब उस बच्ची को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्ची उनको सच बताती है, उसके बाद रियालिटी डिस्क्लोज हो जाती है। उसके बाद राजेंडल को रखा जाता है जहां रियल किंग को कैद किया गया था ओल्ड कैसल में,
और उस खिड़की से पाइप हटा दिया जाता है और बादशाह सलामत को वहां रखा जाता है जहां माइकल रहता है। राजनडेल जब होश में आ जाता है तो उसकी मुलाकात बादशाह सलामत से होती है। बादशाह से मुलाकात के बाद वो प्रिंसेस फ्लाविया के पास आता है। प्रिंसेस फ्लाविया उसे ये कहती है कि इफ लव फॉर ऑल, अगर प्यार सब कुछ होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन ऑनर बाइंड्स अ वुमन, इज्जत औरत को बांधती है, तो मैं यहाँ रुकूंगी, लेकिन तीन अल्फाज मेरे कानों में गूंजेंगे और राजनडेल के कानों में भी गूंजते हैं, क्योंकि वो फ्लाविया, मतलब फ्लाविया के कानों में तो नहीं गूंजते, फ्लाविया राजनडेल के कान में कहती है, तो राजनडेल के कान में गूंजते हैं वो आवाज, तीन वर्ड क्या है, रेडॉल्फ रेडॉल्फ रेडॉल्फ, या आई लव यू नहीं है। उसके बाद रेडॉल्फ राजनडेल प्यार की कुर्बानी बर्दाश्त करके चला जाता है, क्योंकि फ्लाविया ये कहती है कि मैं अपने मुल्क के लिए सर्व करूंगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अगर प्यार सब कुछ होता तो मैं तुमसे शादी करती, मुझे नहीं पता अल्लाह ने मेरे दिल में प्यार क्यों डाला, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको प्यार नहीं मिलता और मैं उनमें से एक हूँ। बारह, उसके बाद राजनडेल भी उस कुर्बानी को कबूल करके जा रहे होते हैं तो फ्रिट्स उनके लिए एक जुमला कहता है कि खुदा ने हमेशा अच्छा बादशाह सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि राजनडेल में वो तमाम सलाहियतें होती हैं जो कि असली बादशाह में होती है। इस पूरी एक्टिंग का ड्यूरेशन 3 मंथ्स था, क्वार्टर, ये लिखा हुआ है क्वार्टर 3 मंथ्स। राजनडेल जेंडर से टेरल जाते हैं, टेरल में वो 15 डेज कयाम करते हैं कि उनकी दाढ़ी बाहर निकल आए। जब वो वापस पेरिस आते हैं तो जॉर्ज उनको बताता है कि माइकल मर गया, मैं जब इंटीनडी मोबान दोबारा विधवा हो गई बिना शादी के दोबारा, और रूबर्ट भाग गया। एंटोनी मोबान तो उस शायर से ही कर लेती, कम से कम वो जिंदा तो था, वो शायर कौन, उनका दोस्त बर्ट्रम बर्टेट। राजनडेल उसके बाद इंग्लैंड जाता है तो उसकी भाभी उसको ये बताती है कि जिस जगह तुम्हारी जॉब लगनी थी वो जॉब शुरू हो गई है और तुम्हें स्ट्रेल्साओ जाना है, तो राजनडेल वहां जाने से इनकार करता है और उनको रिमा के असली बादशाह की तस्वीर दिखाता है, जो तस्वीर इस बात का मुंह बोलता सबूत होती है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मामला खराब होगा, क्योंकि मेरी शक्ल हूबहू बादशाह सलामत जैसी है। लेकिन राजनडेल साल में एक दफा जर्मनी जरूर जाता है ड्रेसडन, जहां उसकी मुलाकात फ्रिट्ज से होती है और फ्रिट्ज की बीवी है काउंटेस हेल्गा। एक ही पियर है जो कामयाब होता है, वो है काउंटेस हेल्गा। और फ्रिट्ज हर साल प्रिंसेस फ्लाविया का खत लेकर आते हैं राजनडेल के लिए, और राजनडेल अपना खत उनको भेजते हैं और उन खत में लिखा होता है रेडॉल्फ फ्लाविया ऑलवेज। अच्छा, ये कुछ डायलॉग्स हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्यार सब कुछ होता, ये डायलॉग फ्लाविया ने कहा, खुदा सही बंदे को बादशाह नहीं बनाता, सही बादशाह नहीं बनाता, ये फ्रिट्ज ने कहा, सैप ने नहीं कहा। तुम एल्बर्ग हो, हर लिहाज से तुम एल्बर्ग लग रहे हो, ये कौन है, ये राजनडेल है, कहा किसने, सैप ने। डू यू नो रेडॉल्फ, यू लुक सम आउट डिफरेंट टू डे, तुम्हें पता है तुम आज काफी मुख्तलिफ लग रहे हो, ये डायलॉग फ्लाविया ने राजनडेल को कहा। अच्छा, नॉवेल पढ़ाते हुए मैंने आपको बात बताई थी कि रेडॉल्फ एल्बर्ग और रेडॉल्फ राजनडेल में जो पर्सनालिटी डिफरेंसेस थे वो तो थे ही थे, जो आदतों के डिफरेंसेस थे, उनकी बॉडी में भी एक डिफरेंस था। राजनडेल का मुंह थोड़ा पतला था और रेडॉल्फ एल्बर्ग का मुंह थोड़ा भारी था, और फ्लाविया चीज नोटिस करती है। आई हैव नोन मेनी ऑफ एल्बर्ग एंड आई हैव सीन यू, यू हैव बॉर्न योरसेल्फ एज अ वाइज मैन एंड अ ब्रेव मैन, ये डायलॉग आर्मी चीफ मार्शल का है। बहुत सारे चैंपियन लोग ये कहते हैं कि सैफ का है, नहीं भाई, चैप्टर नंबर 11 में जब वो पूरी सिक्योरिटी फ्लाविया की इनको दे रहे होते हैं, जब वो कहते हैं शैल आई मैन नॉट कम बैक टू द लवलीस्ट सिटी इन ऑल द वर्ल्ड, 1000 माइकल शुड नॉट कीप फ्रॉम यू, ये रेडॉल्फ राजनडेल कहता है कि कौन होगा वो जितनी खूबसूरत लड़की के लिए दुनिया छोड़ के ना आए, हजारों माइकल भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकते, ये डायलॉग राजनडेल के लिए था, लेकिन वो खातून कौन थी, फ्लाविया थी। आई नो यू हैव नथिंग बट द ट्रू थॉट इन योर हार्ट, ये सैप ने कहा था राजनडेल, ये डायलॉग आता माइकल यू डॉग माइकल इफ यू कैन स्टैंड कम ऑन, ये कौन माइकल को चैलेंज कर रहा है, रूपर्ट, से आई एम क्रिश्चियन और से आई एम जालिस, मे आई गॉड शैल आई सी मैरी हर, कौन जालिस है, मोबान, इन द सेम ऑफ गॉड एंड इफ यू आर मैन रेस्क्यू मी फ्रॉम दिस डेन ऑफ मर्डरर, मुझे इन कातिलों के गार से बचाओ, ये जो है मदद मांगी थी मोबान ने रेडॉल्फ राजनडेल से चैप्टर नंबर 12 के एंड। इज इन एल्बर्ग सन एंड द सन ऑफ हिज फादर एंड मे आई रोट इन हेल बिफोर माइकल सेट इन हिज प्लेस, ये डायलॉग कर्नल सैप का था, कर्नल सैप ने कहा कि ये एल्बर्ग है,
तेलबा खानदान का चश्मो चिराग है, मैं जहन्नुम में सड़ जाऊंगा लेकिन माइकल को इसकी जगह नहीं बैठने दूंगा। प्रे माई ब्रदर टू किल मी, आई एम डाइंग एनी बाय इंचेस हियर। ये ब्रदर कौन है? ये माइकल है और ये कह रहा है असली किंग रिडॉल एल्बर्ट डेट्रॉइट से चैप्टर नंबर 14 में कि मेरे भाई से कहो कि वो मुझे मार दे, मैं वैसे भी यहाँ मर रहा हूँ। As a man grows old, he believes in fate. Fate sent you here. Fate sent you now to Strelsau. Strelsau में ये डायलॉग किसके लिए कहा जा रहा है? किसको ले जाया जा रहा है Strelsau? Redal Razendil को। कौन ले जा रहा है? कर्नल सैम। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने नॉवेल के बहुत सारे MCQs कवर कर लिए, होप सो कि आपको फायदा होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर में जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हौसला बढ़ता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। चलिए स्टूडेंट, वैसी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह भी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।